Hello children I am Pratibha your mathematics teacher today we are going to learn chapter 10 of your book addition of two digit numbers children in this chapter we will learn addition of two digit number using expanded and short form pehle expanded form suppose if we have to add 14 and 23 together you all know 14 equals to वन टेंस एंड फोर वनस एंड ट्वेंटी थ्री इक्वल्स टू टू टेंस एंड थ्री वंस राइट चिल्ड्रेन सो अब हम इसे ऐड कैसे कर सकते हैं सो 14 को हम 10 प्लस फोर भी लिख सकते हैं एंड 23 को 20 प्लस थ्री भी लिख सकते हैं राइट चिल्ड्रेन नाउ फर्स्ट वी एट फोर एंड थ्री टूगेदर फोर एंड थ्री इक्वल्स टू सेवेन देन कम टू द नेक्स्ट प्लेस दैट इज़ टेंस प्लेस सो जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा ना एंड वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री सो वी गॉट आर आंसर दैट इज थर्टी प्लस सेवन एंड थर्टी प्लस सेवन इक्वल्स टू थर्टी सेवन ओके चिल्ड्रेन नाउ लेट्स लर्न दिस टाइप ऑफ एडिशन विथ शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट कम टू द वंस प्लेस फोर प्लस थ्री इक्वल्स टू सेवन देन कम टू द टेंस प्लेस वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री दैट इज वी गॉट आर आंसर दैट इज़ थर्टी सेवन चिल्ड्रेन अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं अगर हम जीरो में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो क्या होता है जीरो तो, तो अभी भी इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे तो हमें क्या करना है वंस प्लेस पे ज़ीरो को राइट right करना है एंड सिंपली वी हैव टू एड ओनली देंस प्लेस सो चिल्ड्रेन वंस प्लेस पर हम क्या राइट right करेंगे जीरो एंड वी हैव टू एड थ्री प्लस वन दैट इज़ फोर सो वी गॉट अर आंसर फोर्टी ओके चिल्ड्रेन टेक वन मोर एग्जाम्पल वी हैव टू एट सेवेंटी एंड ट्वेंटी टूगैदर सो हम फर्स्ट क्या करेंगे वंस प्लेस पे क्या राइट कर देंगे क्योंकि दोनों वंस प्लेस पे क्या जीरो सो वी सिंपली रेट जीरो एंड वी एट डिजिट ऑफ टें्ल टू इक्वल्स टू नाइन चिल्ड्रेन नाउ आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स सो चिल्ड्रन हम कैसे ऐड करेंगे सब फर्स्ट कम टू द वंस प्लेस एंड फर्स्टली पहले टू वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करो जस, जो कि है फाइव प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू सेवन देन सेवन में वन को ऐड कर दो नाउ आर आंसर इज एट देन कम टू द टेंस प्लेस देन अगेन फर्स्ट टू डिजिट को ऐड करो वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री एंड देन थ्री में थ्री को ऐड कर दो दैट इज सिक्स वी गॉट आर आंसर दैट इज सिक्सटी एट इट इज वेरी सिंपल

सम ऑफ टू डिजिट का क्या रहता है सेम रहता है अगर हम ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं तो भी उन दोनों का आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा इसे हम टू एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे सो चिल्ड्रेन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है अगर हमारे पास टू डिजिट है एंड अगर हम उसका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो उन दोनों का आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू ए थर्टी फोर प्लस फिफ्टी टू इक्वल्स टू डैश प्लस थर्टी फोर सो चिल्ड्रेन सी इधर क्या है थर्टी फोर है एंड इक्वल्स टू के अदर साइड क्या है थर्टी फोर है बट इक्वल्स टू के साइड फिफ्टी टू भी है पर इधर नहीं है सो वी राइट फिफ्टी टू तो दोनों तरफ क्या है डिजिट सेम ही है ना जस्ट वी चेंज द ऑर्डर तो आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा सो इक्वल्स टू का साइन क्या होगा वेरीफाई होगा कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्टी फोर प्लस फिफ्टी फाइव इक्वल्स टू फिफ्टी फाइव प्लस डैश सो इक्वल्स टू के इस साइड क्या है फिफ्टी फाइव है इधर भी है एंड अदर साइड फोर्टी फोर है पर इधर नहीं है तो जो नहीं है वो राइट कर देंगे बिकॉज अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर भी सेम रहता है ओके चलो ना चैप्टर गेट ओवर आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे